नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगा, यदि आपके पास MPG 4 सेटअप बॉक्स है, उसमें आपको चैनल्स नहीं मिल रहे हैं या फिर आपको चैनल्स नहीं आ रहे हैं, तो कुछ जानकारी आपको दूंगा कि कैसे आपको सेटेलाइट वगैरह एडिट करनी है, कैसे चैनल्स आपको प्राप्त करना है यदि आपके चैनल्स नहीं चल रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सेटेलाइट एडिट करना है, फ्रिक्वेंसी डालना है, सब कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो पे दूंगा। यदि आपका सेटअप बॉक्स जो है तो वो सेटअप बॉक्स रिसेट हो गया है, या फिर आपके इसमें कोई भी सेटेलाइट नहीं है, या फिर आपके इसमें पूरी सेटेलाइट डिलीट हो चुकी है, तो कैसे आपको करना है, सब कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो पे दूंगा। तो वीडियो पे बने रहें और देखते जाएं कि कैसे आपको सभी सेटिंग्स करना है। यदि आपके पास MPG 4 सेटअप बॉक्स है, और MPG 4 सेटअप बॉक्स में आपका जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको इसमें सपोर्ट करता है, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। मेनू का बटन प्रेस करेंगे, मेनू का बटन प्रेस करने के बाद इस तरह से कुछ आपके सेटअप बॉक्स में ऑप्शन आएंगे, तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपके ऑप्शन आएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको इंस्टॉलेशन में आ जाना है, और इंस्टॉलेशन में आने के बाद सबसे पहले आपका जो ऑप्शन मिलेगा, तो एंटीना सेटिंग्स मिलेगी, मोटर सेटिंग्स मिलेगी, सेटेलाइट लिस्ट मिलेगी और TP लिस्ट मिलेगी। तो आप जैसे देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको एंटीना सेटिंग्स मिल रही है, तो एंटीना सेटिंग्स में आप जैसे आप ओके करेंगे, तो ओके करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सेटिंग्स करनी होगी। तो सबसे पहले आप जैसे देख सकते हैं कि सेटेलाइट पहला ऑप्शन जो आ रहा है, तो इसमें सेटेलाइट का ऑप्शन आ रहा है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि 5:49 में मेरा सेलेक्ट है, तो ये 5:49 क्या सेलेक्ट है, जो मेरी सेटेलाइट है तो 5वें नंबर है, और टोटल जो सेटेलाइट है तो 59 सेटेलाइट के करीब है। तो मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि 59 लास्ट सेटेलाइट है जो वीडियोकॉन की है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर से एक से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके टोटल इस तरह से बताया गया। यदि आपकी इसमें सेटेलाइट डिलीट हो गई होगी तो उसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं बताएगा, तो इसमें आप आएंगे तो इस तरह से रहेगा। फिर इसके बाद आपको पावर NLB में आना है। पावर NLB आप जैसे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप जैसे आएंगे NLB पावर में क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पास देख सकते हैं ऑफ़ करने के लिए, ऑन करने के लिए 18 वोल्ट और 13 वोल्ट में आपको मिल रहा है। यदि आप ऑन करते हैं तो आपको जो 18 वोल्ट होगा और 13 वोल्ट होगा तो दोनों चलेगा, एक आपका जो रहता है तो हॉरिजॉन्टल के लिए रहता है और एक वर्टिकल के लिए रहता है। यदि आप इसमें 13 वोल्ट में सेलेक्ट कर देंगे फिर 18 वोल्ट में, तो इसमें आपकी जो चैनल लिस्ट होगी तो चैनल लिस्ट कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, जो आपको हॉरिजॉन्टल होगा तो हॉरिजॉन्टल का आएगा और वर्टिकल का होगा तो वर्टिकल का आएगा। तो यहाँ पर से आपको इसमें ऑन में ही रखना है जिससे आपके सभी चैनल्स प्राप्त हों। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है NLV फ्रिक्वेंसी में। NLV फ्रिक्वेंसी में आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आपको यहाँ पर मिल रही है। आप गिनेंगे तो काफ़ी कम से कम 20 के करीब होगा, 15-20 के करीब, जो आप देख सकते हैं कि 97.50 जो आपका है तो DD फ्री डिस्क का है। फिर कुछ सनडायरेक्ट की डली हुई है TP और कुछ डिश TV की आपको मिल रही है। तो 12, 11, 2.50 जो है तो ये आपका डिश TV का है, और कुछ सनडायरेक्ट का है और DD फ्री डिस्क का है। तो ये आपका फ्रिक्वेंसी हो गई। फिर इसके बाद आप आएंगे नीचे तो डिस स्विच का जो ऑप्शन डला हुआ है, डिस स्विच जो आपकी होती है, यदि आप मोनोब्लॉक NLB यूज करती हैं फिर आप नॉर्मल यूज करते हैं तो उसके लिए इसमें कुछ खास है। तो इसमें आप जैसे डिस स्विच है तो डिस स्विच में आप ओके करेंगे तो इसमें 4 पोर्ट का ऑप्शन आएगा। तो 4 पोर्ट में आप जैसे देख सकते हैं, यदि आपके पास 4 छतरी लगी हुई है और 4 छतरी में आपका डिस स्विच एक लगा के रखे हैं, तो यहाँ पर से आप उसको पोर्ट चेंज करके अलग अलग सेटेलाइटों का एक साथ चैनल्स को ऑटो स्कैन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 छतरी एक साथ लगा के इसको यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी सिंगल पोर्ट का है तो मैंने यहाँ पास एक सेलेक्ट करके रखा है, मेरे पास मोनोब्लॉक NLV लगा के रखा हूँ इसलिए आपको सिंगल में मिल रहा है। और यदि आप मोनोब्लॉक NLV नहीं लगाते तो उसको ऑफ भी करके ऑटो स्कैन करेंगे तो आपका जो चैनल्स है तो चैनल्स पूरी तरह से प्राप्त हो जाएंगे, मगर आप वो जो होगी तो सिंगल NLV में ही काम करेगी। फिर इसके बाद नीचे आप आता है डिस स्विच 1.1 जो आपका है, तो जैसे आपका डिश TV का मोनोब्लॉक NLV लगी हुई है तो यहाँ पास 2 कर देंगे तो आपके जो है तो दोनों एक साथ चैनल्स इसमें ऑटो स्कैन होंगे, पोर्ट 1 के जो सिग्नल मिल रहे होंगे उसके भी होंगे और पोर्ट 2 के भी आपके होंगे। तो इसमें टोटल पोर्ट जो आते हैं तो आपके 16 आते हैं। तो पोर्ट 0.1 में आप लगाते हैं तो 16 छतरी को एक साथ कनेक्ट करके चैनल्स को ऑटो स्कैन कर सकते हैं डिस स्विच से। फिर इसके बाद TP में आएंगे तो आपको TP में आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 13/44 लिखा हुआ है, 11727 हॉरिजॉन्टल, 27500, तो ये आपका जो है तो DD फ्री डिस्क है। यदि आप इसमें ओके करते हैं तो ओके करेंगे तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके पूरी जो TP है तो TP आ गई है, ये TP जो डली हुई तो DD फ्री डिस्क की है।
और कुछ आप आएंगे तो यहाँ पास आप देख सकते हैं डिश टीवी की डली हुई है, ये आपके डिश टीवी की हो गई। और बीच में आप आएंगे तो कुछ आपकी सैटेलाइट की टीपियाँ मिल जाएंगी। तो इसमें मेरे जो है तो तीन चैनल सैटेलाइट के एक साथ आते हैं, और यहाँ पर से आप टीपी डाल के चैनल्स को ऑटो स्कैन करेंगे तो आपको ऑटो स्कैन प्राप्त हो जाएगा। आप टीपी भी देख सकते हैं, इस टीपी में आपको डालना है। फिर इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट होता है सेटेलाइट लिस्ट पे। सेटेलाइट लिस्ट में आप आएंगे तो आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे इसमें डीडी फ्री डिश है। यदि आपके पास कोई भी बॉक्स है उसमें सेटेलाइट पूरी डिलीट हो चुकी है तो उसमें ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जैसे देख सकते हैं ग्रीन वाली बटन है तो ग्रीन वाली बटन को प्रेस करेंगे, तो ग्रीन बटन वाली बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपको एडिट करने के लिए सेटेलाइट आएगा। तो यहाँ पर आप सेटेलाइट नाम डाल देंगे और कितने एंगल पे चलता है उसको डालना है, और आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट किस में पकड़ रहा है उसमें आपको इसके बाद सेव कर देंगे तो आपकी जो न्यू सेटेलाइट होगी वो आपको ऐड हो जाएगी। और ऐड होगी तो आपको सबसे नीचे आएगी जो यहाँ पर लास्ट होगी सेटेलाइट, आपको वहाँ पर आपकी सेटेलाइट पूरी तरह से मिल जाएगी। फिर इसके बाद जैसे नई सेटेलाइट इसमें आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करेंगे तो सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, और यदि आपको एडिट करना है तो एडिट करने के लिए भी आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करके एंगल्स वगैरह को डाल सकते हैं फिर से। और इसके बाद इन्फो का बटन यदि रिमोट से दबाते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन होंगे आपके तो वो ऑप्शन पूरे आ जाएंगे। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं उसी तरह से आप यहाँ पर सेटेलाइट सिर्फ आपका वीडियो कॉन रहेगा। तो यहाँ पर से आप इसमें टीपी लिस्ट में क्लिक करेंगे तो ग्रीन वाली बटन को प्रेस करेंगे तो टीपी लिस्ट में आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो टीपियाँ पकड़ रहे हैं हम यहाँ पर वीडियो कॉन की। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं 22 की है तो ऑफ़ है, डिश स्विच भी ऑफ करके यहाँ पर रखा हूँ मैं। तो इस तरह से वीडियो कॉन में आपको चैनल्स है तो इस टीपी में आपको ऑटो स्कैन करेंगे तो चैनल्स आपको मिल जाएंगे वीडियो कॉन के। तो इस तरह से आप नए चैनल्स को और नई सेटेलाइट्स को एडिट कर सकते हैं साथ में। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर आता है लास्ट में टीपी लिस्ट, तो टीपी लिस्ट में आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने वीडियो कॉन सेलेक्ट करके रखा है तो वीडियो कॉन का हमको सिर्फ दो टीपियाँ मिल रही हैं, प्राप्त हो रही हैं। यहाँ पर से मैं सेलेक्ट करूँगा सेटेलाइट, और सेटेलाइट में जो जो हमको मिलेंगी तो आप देख सकते हैं एयरटेल का हो गया, और फिर इसके बाद आगे आएंगे डीडी फ्री डिश का हो गया। तो ये डीडी फ्री डिश के हमको यहाँ पर सभी टीपियाँ हमको प्राप्त हो रही हैं। तो इस तरह से आप अपने MPG 4 सेटअप बॉक्स की सेटिंग्स कर सकते हैं। यदि आपको नॉलेज नहीं है कि सेटेलाइट कैसे आपको सेटिंग्स करना है, या फिर आपको इसमें चैनल्स नहीं आ रहे हैं, फिर पूरी सेटेलाइट डिलीट हो चुकी है, तो इस तरह से आप अपने MPG 4 सेटअप बॉक्स को नई टीपी और नई सेटेलाइट को ऐड करके चैनल्स को प्राप्त कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल्स पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखने सभी मित्रों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।